हेलो दोस्तों, पीपल मोबिलिटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष और आज आपको मैं पांच ऐसे ऐप बताऊंगा जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो चलिए, ये पांच ऐप कौन से हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला ऐप है जो उसका नाम है हाई नेटिव। ये ऐप एक तरह का लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है जहाँ पर आप तरह तरह के लैंग्वेजेस को आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों से। जैसे कि ये मैंने ओपन किया, पहले से ओपन करके रखा हूँ। इसमें आप जब साइनअप का ऑप्शन आएगा, जब पहली बार आप इंस्टॉल करके इसे ओपन करेंगे तो आपसे आपका ईमेल आईडी, आपके लैंग्वेज पूछा जाएगा। दो लैंग्वेज, पहला तो मोस्टली इंग्लिश एक यूज अपना मतलब सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज जो भी आपका लैंग्वेज है, जैसे कि मैं हिंदी सेलेक्ट करके रखा हूँ। आपका जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, मराठी, जो भी एक है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो पहला स्लाइड, इस पे आपको बताएगा इंग्लिश के बारे में, जो भी इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं लोग। सेकेंड वाले स्लाइड में आपको पता चलेगा हिंदी के बारे में, जो आपने सेलेक्ट करके रखा है हिंदी। थर्ड वाला है जो इंडिया, मैंने कंट्री इंडिया चूज करके रखा है, तो यहाँ पे इंडिया के बारे में जो भी सवाल रहेंगे आपको आएंगे, जो भी लोग पता करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इंडिया के बारे में, उससे पता चलेगा। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, जो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है वो यूनाइटेड किंगडम का है, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स का। और थर्ड है यहाँ पे जो आप एडिट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को। तो ये देखिए, पहले पहले मैंने ये पहले फोल्डर पे गया है, पहले स्लाइड पे हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोड हो रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सवाल इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश के बारे में। ये होम पेज है, इसके बगल में है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पहली बार जब ट्रायल के लिए इसे इंस्टॉल किया था तो मैंने ऐसे ही पूछा था कि हाउ डू यू से नमस्ते इन हिंदी। तो बहुत ही ये छोटा सा सवाल था, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, नमस्ते को नमस्ते ही बोलते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, आप जो भी आंसर करेंगे उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हुए, लेकिन मैंने इसको अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में आपका ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप रख सकते हैं आपको क्या क्या रखना है, आंसर का रखना है, मेंशन का रखना है, लाइक का, क्विक पॉइंट्स का, फीचर्स आंसर का, न्यूज़ लेटर का, ठीक है। ये माय अकाउंट है, माय अकाउंट में आपका ईमेल आईडी चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, साइन आउट करना है, जो भी है, आंसर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या आंसर देना चाहते हैं, हाउ डू यू से। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप सवाल पूछे, जैसे कि ये हिंदी है तो मुझे हिंदी टू इंग्लिश करना है या इंग्लिश टू हिंदी करना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आएगा, जैसे कि ये हिंदी पहले से है तो मैं हिंदी में पूछना चाहूँगा कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। पहले मैं ये लैंग्वेज का चेंज करता हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ और इसे पोस्ट करता हूँ। तो जो कोई भी इसका मीनिंग जानता होगा वो मुझे बता देगा। देखिए यहाँ आ गया, मैंने ये पूछा हाउ डू यू से परिवर्तन संसार का नियम है इन हिंदी। अब जिसे भी पता होगा इस पे, जो भी है हाई नेटिव पे, वो मुझे आंसर कर देगा कि हाँ भाई इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। इस तरह के आप क्वेश्चन पूछेंगे। वापस जाइए, यहाँ डज दिस साउंड नेचुरल, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये सही है। बहुत सारे ऑप्शन है, ये मेरा प्रोफाइल है, ये सेटिंग्स है। तो ये रहा आपका हाई नेटिव, जो कि आपको काफ़ी यूजफुल ऐप है ट्रांसलेशन के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए। तो चलिए इसे एग्जिट करते हैं और सेकेंड ऐप पे चलते हैं। सेकेंड ऐप है स्प्लिट वाइज। ये एक तरह का आपका ऐप है, आपके डेली का जो भी आप स्पेंड्स करते हैं उसे आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो। मैंने ऐसे ही दो दोस्तों के नाम लिख के रखे हैं यहाँ पे, और
उनके ऊपर लिखा हूँ मैं इनसे इतना लिया हूँ, इतना रुपए लिया हूँ। तो इसे करने के लिए आपको बस यहाँ पे जाना है प्लस पे, ठीक है। ये बहुत सारे नाम आ रहे हैं, इस पे से आप जो भी नाम सर्च करेंगे वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट रहेगा, यहाँ पे पेड बाय यू रहेगा या इक्वली रहेगा, या फिर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आपने उधार लिए हैं कि आपने उधार दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ सेव कर देना है। तो ये मैंने 2 3000 300 500 भावेश से लिया है और सुनील से 2000 लिया है। तो ये दोनों मिला के जो भी है वो मुझे पे करने हैं, 2300 500। ये एक्टिविटी है फ्रेंड से ग्रुप से, बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही सिंपल ऐप है, इस पर आप देख सकते हैं, बहुत ही काम का ऐप है। थर्ड ऐप है जो एवर नोट है, एक तरह का राइटिंग पैड के लिए है। इस पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एक बार आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको फ्री मिलता ही है। कुछ 50 MB या 100 MB का रहता है, आप नोट लिख सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ध्यान नहीं है। ये प्लस है, यहाँ पे आप ओपन टच करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा टेक्स्ट नोट, हैंड राइटिंग रिमाइंडर, ऑडियो अटैचमेंट। देखिए मैंने अभी पूछा था हाई नेटिव पे कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसका देखिए आंसर क्या आता है। ये देखिए ये लोड हो रहा है, इसके नीचे चेंज इज ए लॉ ऑफ वर्ल्ड। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। इसे मैंने लाइक दे दिया है कि सामने वाले को पता चल जाए मैं देख लिया हूँ, ठीक है। बैक जाता हूँ मैं, वापस हम चलते हैं एवर नोट पे। तो यहाँ पे एवर नोट पे जाएंगे तो टेक्स्ट नोट, हैंड राइटिंग रिमाइंडर, ऑडियो अटैचमेंट, कैमरा, बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं टेक्स्ट नोट पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ टाइटल लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तभी भी चलेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी इजूल फजूल लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, जय हिंद लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडियन आर्मी करके, ये सेव हो गया मेरा, ठीक है। इसे बैक जाएंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पे प्लस जाएंगे, हैंड राइटिंग है, इस पे जाएंगे तो आप जो भी यहाँ लिखना है वो लिख सकते हैं अपने हाथों से। तो इस तरह से ये है हैंड राइटिंग का, काफ़ी यूज़फुल ऐप है। थर्ड ऐप है जो फिल्मोरा गो, ये एक तरह का वीडियो एडिटिंग ऐप है, जहाँ पे आप फोटो फोटो एडिट कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं। ये देखिए वीडियो, जैसे कि मैं यहाँ से एक कॉमेडी से ये लेता हूँ ऐप, इसको आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर आप बैक जाइए, बैक जाके नेक्स्ट कीजिए, ये आ गया आपका एडिटिंग के ऑप्शन में। यहाँ पे आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे थीम नहीं करना है। यहाँ म्यूज़िक आप रिप्लेस कर सकते हैं, आपका जो गाने हैं आपके मोबाइल में उससे, या फिर यहाँ पे बहुत सारे ये डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। तो मुझे अभी गाने भी नहीं करने हैं। उसके साथ साथ ट्रांसलेशन है, रेशियो क्रॉप है, एडिट टूल है, इस पे जाएंगे तो आप बहुत सारे मिलेगा। ट्रिम क्लिप, यहाँ पे आप किसी क्लिप को कुछ काट सकते हैं, सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। वॉइस ओवर है, यहाँ पे वॉइस ओवर में आप जाएंगे तो आप अपना आवाज़ दे सकते हैं। ऑडियो मिक्सर है, ऑडियो मिक्सर में जाएंगे तो आपका जो वीडियो का पहले से आवाज़ है उसे कितना रखना है, कितना कम करना है, वो कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। दिखाकर बाघों को लगता ये है। देखिए आवाज़ चलने लगे यहाँ पे। इसके अगर वॉइस रिप्लेस करना है तो वॉइस ओवर पे जाना है, टैप टू रिकॉर्ड करना है, और यहाँ पे आप जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एलिमेंट से टाइटल ऐड कर सकते हैं, इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये नहीं करना है, यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो मैं सेव नहीं करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, एग्ज़िट करता हूँ। यहाँ पे आपके जो भी सेव रहेंगे प्रोजेक्ट जो आपने वीडियो बना के रखे हैं वो आपको दिखेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके यूज़फुल चार ऐप। ये पांचवा ऐप है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, जिसके थ्रू मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वही ऐप है।
ये बहुत ही इजी है। आप एक बार ओपन करेंगे, इसमें थोड़े बहुत सेटिंग्स है, बस उसे करना है किस तरह के रेशियो में आपको रिकॉर्ड करना है, 720, 480, 480p, कितने फ्रेम पर सेकंड आपको चाहिए, 60 फ्रेम पर सेकंड, 30 फ्रेम पर सेकंड। तो ये दोस्तों, ये था आपका क्विक 5 एप्लीकेशन जो आपके यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आगे इसी तरह के अच्छे एप्लीकेशंस के रिव्यू के लिए, या फिर किसी अनबॉक्सिंग के लिए, रिव्यू के लिए, या क्विक गाइड्स के लिए। तो मेरा फेसबुक फेसबुक पे पेज है सेम पीपल मोबिलिटी, एंड यूट्यूब पे भी सेम पीपल मोबिलिटी। सो थैंक यू गाइस इसे देखने के लिए, डू सब्सक्राइब दिस चैनल।